जय माता दी। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल यात्रा पथ पर। तो आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट खबर लेकर आते रहते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अभी ऑनलाइन पर्ची स्टार्ट होगी और ऑफलाइन पर्ची बंद होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफलाइन पर्ची बिल्कुल ही बंद कर दी गई है। नहीं दोस्तों, अभी जो भी है ऑफलाइन पर्ची की जो व्यवस्था है वो भी चालू है। यानी कि अगर आप वहाँ जाकर भी यात्रा पर्ची कटवाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि यात्रा पर्ची के बिना माता रानी के दर्शन प्राप्त करना बिल्कुल ही असंभव है, तो आपको यात्रा पर्ची तो चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए जो तत्काल पंजीकरण केंद्र है वो चालू है, आप अपनी यात्रा पर्ची वहाँ से भी कटवा सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसके अलावा मैं ये बता दूं कि जो भी अभी ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था के लिए जो हाई लेवल कमेटी है श्राइन बोर्ड की, उन्होंने जो भी निर्णय लिया था, लेकिन उन्होंने अभी कोई टाइम लिमिट नहीं बताई है कि कब से उस व्यवस्था को सुचारू रूप से पूर्णतया चालू किया जाएगा। यानी कि अभी अगर आप जा रहे हैं माता रानी के दरबार में यात्रा को, तो आप ऑनलाइन कटवाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है पर्ची, और यदि आप ऑफलाइन भी कटवा कर यात्रा करना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन भी यात्रा पर्ची उपलब्ध हो जाएगी। तो आपको इस बारे में टेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि यदि आपके पास यात्रा पर्ची नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप वहां जाकर भी यात्रा पर्ची ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हम वहां पर कोविड की क्या जानकारी है। तो दोस्तों देखिए, अभी हाल फिलहाल जम्मू कश्मीर में जो कोविड के केसेस हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी जो कॉलेज है उसमें भी 140 जो स्टूडेंट्स थे उनको कोरोना से संक्रमित पाया गया है। तो ऐसे में हाल फिलहाल जो आपको है नेगेटिव आरटीपीसीआर और वैक्सीन के दोनों डोज की आवश्यकता है। यानी कि आपको नेगेटिव आरटीपीसीआर भी चाहिए 72 घंटे से कम की, और साथ ही आपको वैक्सीन के दोनों डोज होने चाहिए। यानी कि मतलब अभी जो है बदलाव हो चुके हैं, क्योंकि कोरोना के संक्रमण को बढ़ता हुआ देखकर जो वहाँ की जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उन्होंने ये जारी किया है कि आपको ये सब चीज़ें, ये सब जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। दोस्तों मैं ये भी जानती हूँ कि आपको जो रोज़ रोज़ जो नियमों में बदलाव हो रहे हैं इनसे अच्छी खासी परेशानी होती है, लेकिन ये सभी मैं आपकी सुविधा के लिए आपको बताती हूँ ताकि आप जब वहाँ पहुँचे तो आपको कोई भी कठिनाई ना हो और आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब बात करते हैं कि हम मौसम कैसा है, तो वहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि आने वाले एक दो दिन में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल मैदानी इलाकों में भी बारिश देखी गई है, तो पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मौसम से रिलेटेड सूचना है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है, तो आप अपने साथ गर्म कपड़े अच्छी खासी उसमें लेकर जाएं। साथ ही दोस्तों यदि बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो नेसेसरी है कि आप उनका ख्याल रखें, ठंड से उनका बचाव करें। और बर्फबारी आपको जनवरी के जो सेकंड वीक में है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि हाल फिलहाल जो माता वैष्णो देवी है वहाँ पर बर्फबारी अभी इतनी जल्दी संभव नहीं हुई है। प्राचीन गुफा की अगर हम बात करें तो प्राचीन गुफा आपको सेकंड वीक में ही खुली मिल सकती है, क्योंकि ठंड बढ़ने के साथ साथ जो यात्री हैं उनकी संख्या में भी गिरावट होगी। तो जब भी आपको पता है कि 10,000 से कम यात्री होते हैं तो प्राचीन गुफा का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। और साथ ही दोस्तों अगर हम किसान आंदोलन से रिलेटेड बात करें कि ट्रेन्स की क्या अपडेट रहेंगी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि किसानों की और सरकार की कोई भी सम्मति नहीं हुई है आपस में। किसान भाई लोग पता नहीं कब क्या कर सकते हैं, लेकिन जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको देती रहूँगी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। माता रानी हमेशा आपका ख्याल रखे। जय माता दी।